तो अब हम जब माइग्रेशन की बात करते हैं, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि जब माइग्रेशन को आंकड़ा जब आंकड़ा इकट्ठा करना शुरू किया कि माइग्रेशन कब से हो रही है, तो ये जब पहली जनगणना हुई, जब पहला सेंसस हुआ 1881 में, उसी से ये पता किया जाने लगा कि कितने लोग माइग्रेट करके जाने लगे हैं। यानी कि क्योंकि पहली जनगणना से जो कि 1881 की है, हम देख सकते हैं कि माइग्रेशन को रिकॉर्ड किया जाने लगा। इससे पता चलता है कि माइग्रेशन कितने पहले से चल रहा था। ठीक है, तो जो 1881 का सेंसस था उसमें जो माइग्रेशन रिकॉर्ड हुआ वो प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर रिकॉर्ड हुआ, यानी कि आप कहां पर आपका जन्म हुआ है। ठीक है, ये 1881 के सेंसस में हुआ। फिर इसके बाद काफी टाइम तक ये महसूस किया जाने लगा कि हमें माइग्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, माइग्रेशन के ऊपर और प्योर डेटा लेने के लिए क्या जरूरत है। वो ये है कि हम लोगों को माइग्रेशन थोड़े से और फैक्टर्स, थोड़े से और क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और इसलिए 1961 में सेंसस में मेजर चेंजेस आए, यानी कि जब जनगणना हुई 1961 की, तो माइग्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए उसमें प्लेस ऑफ बर्थ तो था ही, एंड ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस भी रिकॉर्ड किया जाने लगा। यानी कि एक माइग्रेशन तो इस तरह का हो गया कि आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, और फिर आपसे ये पूछा गया कि आप कहाँ रह रहे हो। ठीक है, तो यानी कि आप एक जगह जन्मे लेकिन आप दूसरी जगह चले गए। जैसे कि आपका जन्म हुआ यूपी में कहीं पे, मान लीजिए मुजफ्फरनगर में हुआ, एंड देन आप दिल्ली मूव कर गए, तो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ तो मुजफ्फरनगर हो गई और आप दिल्ली मूव कर गए। तो जो 1881 का माइग्रेशन था वो किसके बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाने लगा कि आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। लेकिन जो 1961 था, जिस जो उसमें जनगणना हुई, उसमें प्लेस ऑफ बर्थ तो था ही, यानी कि आपका जन्म कहाँ हुआ है ये तो इम्पोर्टेंट था ही। लेकिन जो एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया वो था ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस, यानी कि आप माइग्रेट करके जिस जगह के पे रह रहे हो, माइग्रेट करके आप जहां आ चुके हो, आप वहां पे कितने टाइम से रह रहे हो। जैसे कि मान लीजिए आपने मुजफ्फरनगर में आपका बर्थ हुआ और आप दिल्ली में 6 साल से रह रहे हो, तो ये जो ड्यूरेशन थी रेजिडेंस की, आप कितने टाइम से रह रहे हो, इसको भी रिकॉर्ड किया जाने लगा और माइग्रेशन के ऊपर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिलने लगे हम लोगों को। फिर जो 1971 के सेंसस हुआ, जो जनगणना हुई, इसमें एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन। यानी कि अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हमारा बर्थ कहीं होता है, फिर हम थोड़ी सी पढ़ाई के लिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए किसी और जगह मूव कर जाते हैं, और फिर और अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए हम कहीं और मूव कर जाते हैं, यानी कि हम किसी और जगह रहने लगते हैं, किसी और जगह मूव कर जाते हैं। ठीक है ना, तो मान लीजिए जैसे मेरा बर्थ मुजफ्फरनगर में हुआ, मैं अच्छी पढ़ाई के लिए दिल्ली मूव हो गया और फिर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए बैंगलोर चला गया। तो जो 1971 का सेंसस था उसमें प्लेस ऑफ बर्थ तो था ही, यानी कि आपका कहाँ बर्थ हुआ वो एक फैक्टर था ही। फिर प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, अब आप वहां पर लास्ट रेजिडेंस की आपकी प्लेस क्या थी, तो मेरी लास्ट रेजिडेंस की प्लेस जैसे दिल्ली थी, तो ये भी रिकॉर्ड किया जाने लगा। एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन, और मैं दिल्ली में कितने टाइम तक रहा वो रिकॉर्ड किया जाने लगा। फिर मैंने जहां मूव किया मैं वहां पर कितने टाइम से हूँ, ये चीजें भी रिकॉर्ड की जाने लगी। तो माइग्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए जो जनगणना होती थी उसमें डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आए, जो कि यहाँ पे बताया गया है। यानी कि 1881 में बताया गया क्या चेंजेस आए, फिर 1961 में बताया गया क्या क्या चेंजेस आए, कि प्ले ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस भी रिकॉर्ड की जाने लगी, एंड देन 1971 में क्या चेंजेस आए कि आपकी प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस क्या थी और ड्यूरेशन क्या थी वहां पर रहने की, इन चीजों को भी रिकॉर्ड किया जाने लगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आए माइग्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। अब ये दो क्वेश्चन है जो सेंसस के टाइम पे पूछे जाते हैं, जो माइग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला है कि आपसे प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आप वहीं रह रहे हो जहां आपका बर्थ हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं रह रहे हो तो जिस जगह आप चले गए आपसे वहां पे क्या पूछा जाएगा कि आप कहां पर जन्मे थे। यानी कि जैसे आपका मुजफ्फरनगर में बर्थ हो गया, आप दिल्ली मूव हो गए, तो सेंसस के टाइम पर अगर आप दिल्ली रह रहे हो तो आपसे पूछा जाएगा आप कहाँ रहते थे, आपका बर्थ कहाँ हुआ। ठीक है, बर्थ तो पूछा ही जाएगा, हमारे से नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जाएगा। ठीक
ठीक है, नेम ऑफ टाउन हो गया, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये सब डिटेल्स भी ली जाएंगी। और अगर हम किसी और कंट्री से आके यहाँ पर रहने लगे हैं तो हमें नेम ऑफ कंट्री भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ये चीज देखने की है। तो ये पहला क्वेश्चन था, यानी कि प्लेस ऑफ बर्थ पूछी जाती है आपसे कि आपका जन्म कहां पर हुआ था। फिर अगर आप जहां पे जन्मे थे वहां पर नहीं रह रहे हो तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा टाउन था, सिटी थी, डिस्ट्रिक्ट थी, क्या था। एंड अगर आप किसी और कंट्री से आए हो तो उसमें यह पूछा जाता है किस कंट्री, नाम क्या था उस कंट्री का। तो इस तरह से माइग्रेशन पर हमें डेटा मिल जाता है कि किस पर्टिकुलर एरिया के लोग कहां कहां ज्यादा माइग्रेट कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारे पास रिकॉर्ड होगा कि एक इंसान का बर्थ यहां हुआ था पर वो अब रह यहां आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने माइग्रेट किया है। तो ये जो डेटा है, जो इससे डेटा निकल के आएगा इस क्वेश्चन से, ये हमें मदद करेगा ये बताने में कि कौन सी स्टेट के लोग ज्यादा कहां माइग्रेट कर रहे हैं और किस तरफ माइग्रेशन ज्यादा है। तो हमें डेवलपमेंट में भी एक तरीके से हेल्प मिलेगी, ये पता लगाने का मौका मिल जाता है हमें कि कहां कहां कमियां हैं, क्यों लोग माइग्रेट कर रहे हैं। इन रीजंस को जब सामने रखा जाता है तो कंट्री जो है डेवलपमेंट के पाथ की तरफ बढ़ने लगती है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्सन केम टू दिस टाउन फ्रॉम एल्सवेयर, यानी कि आपकी लास्ट रेजिडेंस, जो मैंने यहाँ पे बात की थी कि जो लास्ट रेजिडेंस की जो बात होती है उसके ऊपर फोकस किया जाने लगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इस जगह पे कहीं और से आए हो, यानी कि प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में तो पूछ लिया गया, ठीक है। अब आपसे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि क्या आप इस टाउन में रहने से पहले किसी और टाउन में रह रहे थे, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं, क्या किसी और टाउन में, यानी कि प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि मैं रहता था मान लीजिए मुजफ्फरनगर, फिर मैं दिल्ली मूव किया और फिर मैं बैंगलोर मूव किया, ठीक है। तो एंड
तो मान लीजिए कि मेरा जो बर्थ है वो मुजफ्फरनगर में हुआ, फिर मैं दिल्ली मूव कर गया एंड देन मैं बैंगलोर मूव कर गया, तो ये सिचुएशन है हमारे सामने। अब लोग सेंसस के दौरान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई आपका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरा जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ और सेंसस के टाइम में मैं यही रह रहा हूं तो ठीक है, लेकिन अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूं तो मेरे से क्या पूछा जाएगा कि मेरा प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कौन से स्टेट में आता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये पूछा जाएगा मेरे से। और अगर मान लीजिए मैं किसी और कंट्री से आके यहां रहने लगा हूं तो उस कंट्री का नाम पूछा जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें ये पूछा जाता था, पर्सन केम टू दिस टाउन फ्रॉम एल्सवेयर, यानी कि सेंसस के दौरान मान लीजिए मैं बैंगलोर में हूं, मेरे से पूछा जाएगा कि तुम किस टाउन से आए हो, इससे पहले कहां रहते थे, तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं दिल्ली में रहता था, ठीक है। और मैं अगर ये पूछ अगर मैं कहूंगा कि हाँ मैं किसी और टाउन से आया हूं, तो मेरे से ये पूछा जाएगा तुम कौन से टाउन में रहते थे, ठीक है, वहां की स्थिति क्या थी, ठीक है, क्या हाल थी वहां पे, क्या काम करते थे, क्या जगह का नाम क्या था, तो मेरी इंफॉर्मेशन ली जाएगी थोड़ी सी। एंड देन मेरा ड्यूरेशन पूछा जाएगा कि मैं कितने टाइम तक वहां रहा। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़े जरूरी हैं जो कि सेंसस के टाइम पे पूछे जाते हैं और ये माइग्रेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मतलब अगर आप माइग्रेशन को देखोगे तो बेसिकली आज के टाइम पे इन दो क्वेश्चंस के ऊपर पूरे माइग्रेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। एंड जो सेंसस से डिटेल्स आई है, यानी कि जो डेटा डेटा कलेक्ट करने के बाद, उसको एनालाइज करने के बाद जब हमने डिटेल्स निकाली तो पता चला कि हमारी जो कंट्री है उसमें अगर 1029 मिलियन पीपल हैं, तो अगर प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से हमें देखा जाए कि कितने लोगों ने माइग्रेट किया है, तो अराउंड 30% लोग माइग्रेट कर चुके हैं, जिसका मतलब है 307 मिलियन लोग, यानी कि 1029 मिलियन पॉपुलेशन जो टोटल है उसमें से 30% लोग बाय प्लेस ऑफ बर्थ, ये जरूरी रखना है, बाय प्लेस ऑफ बर्थ माइग्रेट कर चुके हैं, यानी कि टोटल 30%, यानी कि 307 मिलियन। और अगर ये ही रिकॉर्ड अगर हम प्लेस ऑफ रेजिडेंस के हिसाब से देखें ये वाला, तो 31% आता है, ठीक है, और इसका कितना टोटल है, 315 मिलियन लोग, ये हमें पता चलता है, ठीक है। तो हमने देखा कि माइग्रेशन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कब से रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्या क्या क्वेश्चन हैं जो रखे जाते हैं सेंसस के टाइम पे माइग्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, और उससे क्या डेटा निकल के आया है, ठीक है। अभी जो रीजन है माइग्रेशन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट रीजन रहते हैं, मतलब कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हो गई, या फिर किसी कंट्री में किसी जैसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ज्यादा है। अब आज के टाइम में अगर हम देखेंगे तो पंजाब में, हरियाणा में, यहां पर क्या चीज है कि अगर हम कभी जाएं और फील्ड्स में देखें तो बिहार से बहुत सारे वर्कर्स यहां पर आकर काम करते हैं, ठीक है, और अगर उनकी स्थिति को भी देखा जाए तो वो भी बहुत खराब है, जिन कंडीशंस के अंडर वो काम करते हैं वो बहुत खराब है, एंड इवन उनको जो अमाउंट मिलता है वो भी बहुत कम है, जो कि एक्चुअली मिलना चाहिए उससे बहुत कम अमाउंट मिलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो जाता है, कई बार अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए जाया जाता है। हाँ, अब ये हो सकता है कि पंजाब में लोग क्यों आते हैं, क्योंकि वो जो वर्कर्स आ रहे हैं उनके पास और कोई काम ही नहीं है, तो वो सोचते हैं रादर देन कुछ ना करने से अच्छा है कि हम लोग पंजाब में जाके वहां पे फील्ड्स में काम करेंगे तो थोड़ा तो पैसा मिलेगा। यानी कि माइग्रेशन जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एंड ये हमें एक स्टेट की, एक सिटी की, एक टाउन की डेवलपमेंट, उसकी उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या किया जाना चाहिए, वो चीजें हमें नाप के बताता है ताकि हम लोग उनको ठीक कर सके। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, वो है स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन।